सामंती विचारधारा के लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, वो सब अपना पैसा पॉकेट में रखे रहे, पैसा सब में दिया लग जाएगा, आप देख लीजिएगा 13 तारीख को सबके अटैची में पैसा जो है ना दिया लग जाएगा, फेंकना पड़ेगा, विनीत जीतने जा रहा है। अरे हम अकेले 80,000 है। मैया योजना तो लाई है, इसमें कुछ लोगों को लाभ मिला है, कुछ लोगों का नहीं लाभ मिला है, तो ये मतलब फेल होते हुए साबित हो रहा है। देखिए हम आपको बता रहे हैं, पहला महीना फुल, दूसरा महीना हाफ, अब हो गया। और ब्लॉक में देखिए इतना घुसखोरी हो रहा है, इसको आप कैसे मतलब कैसे सुधार करेंगे? देखिए अगुआ आवास में क्या है कि जितने जनप्रतिनिधि जीते हैं, जो विधायक जी के दलाल हैं, बगल में रख देंगे, बोलेंगे इसमें सब कमीशनखोरी पर चल रहा है, हम जीतेंगे तक सुधारेंगे नहीं, सबको जेल। यार मैं और धीरज और आप देख रहे हैं गढ़वा दस्तक, विश्रामपुर विधानसभा इन दिनों खूब चर्चा में है, और उससे भी ज़्यादा चर्चा में है विनीत कुमार। तो आइए हम आपको आज मिलाते हैं विनीत कुमार जी से, जो कि विधायक कैंडिडेट 77 विश्रामपुर विधानसभा से हैं। तो सबसे पहले तो विनीत जी, आपका गढ़वा दस्तक न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विनीत कुमार है, ऐसे लोग मुझे विनीत कुमार रविदास के नाम से विश्रामपुर ही नहीं गढ़वा पलामू में लोग जानते हैं, और मैं इस बार विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी भी हूँ, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, हमारे जो कि जीतन राम मांझी जी का पार्टी। जी जी, जीतन राम मांझी साहब केंद्र में मंत्री भी हैं, उनकी पार्टी से हम प्रत्याशी हैं। सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि मतलब देखिए यहाँ पे बहुत बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बीजेपी पार्टी भी है, बहुत सारे लोग हैं, तो मतलब उनमें आप अपने क्षेत्र का अगर विधायक बनते हैं तो मतलब क्या बदलाव लाना चाहते हैं? देखिए आज़ादी के बाद से किन्हीं दो लोगों का दबदबा रहा था, आज तक रहा है, इसके पहले भी हम बोले थे धोती वाले लुंगी वाले का, हालांकि एक तो इस बार नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो धोती वाले हैं इस क्षेत्र को बर्बाद कर दिए। अब आपको हम बता रहे हैं कि उनको दो लोग हाथ पकड़ के उठाते हुए बैठाते हैं तो विकास तो नहीं हो सकता है। अब लोगों के बीच में ऐसे चर्चा है कि युवा चेहरा चाहिए, आप युवा को चुनिए ना, अगर आपको विकास चाहिए क्षेत्र का तो युवा चाहिए, हर जगह लोग डिमांड युवा का कर रहे हैं, नौजवान के बिना कुछ नहीं हो सकता है। सही बात है, इसलिए हम विश्रामपुर के तमाम लोगों से अपील करेंगे हाथ जोड़ के युवा को लाएं, और अभी जितने आप जो बोले बहुत सारे लोग हैं, अभी जितने लोग हैं ये सब देखिए, ये सब क्या है कि ताकतवर लोग हैं, ताकतवर का मतलब समानती विचारधारा के लोग हैं, 22 कैंडिडेट हम लोग हैं, 22-24 हैं, एकलौता शेड्यूल कास्ट का लड़का मैदान में है, अगर इन लोगों से सामना करने की मुझे हिम्मत मिला है तो ये बाबा साहब की देन है, वरना हमारी हिम्मत नहीं थी कि इन लोगों के सामने हम नॉमिनेशन कर देते। इसलिए हम अपने समाज के लोगों से, दबे कुचले लोगों से, पिछड़े समाज के लोगों से अपील करेंगे कि आपका घर का बेटा इस बार मैदान में है, वोट देकर अपने बेटा को जिताएं, और विकास की गंगा बहेगी। यहाँ बहुत विकास का मुद्दा है, हम कितना गिनाएं आपको, देखिए यहाँ पे चलने के लिए सड़क की, आप सड़क देखिए दुर्दशा कितना बना हुआ, आप यहाँ से मोहम्मदगंज जाइए ना, क्या स्थिति है। सही बात है, आपका स्कूल का व्यवस्था देखिए, जितनी सरकारी स्कूलें हैं सबकी कंडीशन बहुत बुरी है, यहाँ के लोग अपने बच्चे को बाहर पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, जबकि सरकार की योजनाएं बहुत ज़्यादा धारा चल रही है लेकिन धरातल पर कुछ नहीं आ रही, क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा है ना। अभी देखिए ना है, जो है JMM की सरकार एक तो लागू किया था जो है मैया योजना, पहले को सुने हैं कि जियो चला, जियो धनाधन धनाधन काम खत्म, फ्री में चलाया था ना, अब देखिए रिचार्ज का कितना पैसा हुआ। देखिए मैया योजना तो लाई है, इसमें कुछ लोगों को लाभ मिला है, कुछ लोगों का नहीं लाभ मिला है, तो ये मतलब फेल होते हुए साबित हो रहा है। देखिए हम आपको बता रहे हैं, पहला महीना फुल, दूसरा महीना हाफ, अब हो गया साफ, वो सब कुछ नहीं चलेगी, इस बार गरीब गुरबों की सरकार बनेगी और BJP तो गई यहाँ से, ये तो तय है। और देखिए यहाँ पे अबुआ आवास का भी मतलब है, देखिए अभी JMM अबुआ आवास लाई है, और ब्लॉक में देखिए इतना घुसखोरी हो रहा है, इसको आप कैसे मतलब कैसे सुधार करेंगे? देखिए अगुआ आवास में क्या है कि जितने जनप्रतिनिधि जीते हैं, जो विधायक जी के दलाल हैं, बगल में रख देंगे, बोलेंगे इसमें सब कमीशनखोरी पर चल रहा है, हम जीतेंगे तक सुधारेंगे नहीं, सबको जेल डालेंगे, गिनती से जेल डालेंगे, जितने हैं सब मेरे पास है, सबका रिकॉर्ड हम निकाल लिए हैं, सबको सबसे पहले तो जेल जाना होगा। ये बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं आप,
सबसे पहले इतना अगुआ आवास, आप देखिए जिसका पक्का का मकान है उसको भी अगुआ आवास मिल रहा है, और गरीब अगुआ आवास तो छोड़िए, मतलब एक इनकम सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ता है, उसमें भी घुस लगता है। हर जगह ब्लॉक में घुस का आडा है, ब्लॉक को सुधारने के लिए आपको बता रहे हैं कि देखिए वहाँ कमर कस के बैठना पड़ेगा। और इन लोगों को जिस रूप से समझे, जैसे नहीं होता है, जैसे समझेगा उस तरीके से आप समझाइए ना, समझ जाएंगे, सब समझने वाले लोग हैं, लेकिन समझाने का तरीका चाहिए। जब तक आप मजबूत नहीं करेंगे तो हम समझाएंगे कैसे लोगों को, ताकत चाहिए ना। जब तक जनता का ताकत, जब तक आपका समाज, आपके लोग विधानसभा लोकसभा नहीं पहुंचेंगे, ताकत नहीं मिलेगी। हम लोगों पर चढ़ के बात नहीं कर सकते हैं, हम गरीब परिवार से हैं, लोग हमको दबा देंगे। इसलिए अपने समाज के लोगों से दबे कुचलो, जितने हैं पिछड़े समाज के लोग सबों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने बेटे को इस बार आप आशीर्वाद दें। मैं आपको पूर्ण भरोसा दिलाता हूँ कि केहू जो किया नहीं करके दिखाएंगे। अच्छा देखिए, अभी बहुत सारे पार्टी हैं, बीजेपी पार्टी बहुत बड़ा बड़ा पार्टी है, तो उन लोगों का मतलब कैसे आप पछाड़ने का काम करेंगे? बहुत सारे बड़ा बड़ा पार्टी है तो उन लोगों को पछाड़िए कैसे? आपको हम बता रहे हैं कि हम जिस समाज से आते हैं उस समाज का आप आंकड़ा देखिए, 140,000 है। सबका राजनीतिक हमारे समाज के ऊपर है, इनका अपना कोनो वोट भाट नहीं है। चुनाव के टाइम में आएंगे, अपना पैसा बांटेंगे, जो मानसिकता चलते आ रहा लोगों को, या खिलाएंगे पिलाएंगे, जैसे भी हमारे लोगों को तोड़ने का काम करेंगे। चूंकि देखिए, किसी ज़माने में हमारे हिस्से में मदिरा मिला था, तो हमारे लोग को मदिरा पीने का आदत पड़ गया, आदत पड़ गया, तो लोग आज भी उसी का शोषण कर रहा है। बस शराब पिलाओ और वोट लो। लेकिन अब हमारा समाज जग चुका है, अब हमारा समाज दारू मुर्गा पर बहकने वाला नहीं है। झारखंड में एक भी हमारे समाज का नेता नहीं है। 1% 2% वाले अपना मंत्री बना दे रहे हैं, और जब हमारे समाज के साथ शोषण होता है तो एक भी आदमी झांकने नहीं जाता है। अब हमारी गरीबों की सरकार बनेगी, और जितने भी यहाँ पे सामंती विचारधारा के लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, वो सब अपना पैसा पॉकेट में रखे रहे, पैसा सब में दिया लग जाएगा। आप देख लीजिएगा 13 तारीख को सबके अटैची में पैसा जो है ना, दिया लग जाएगा, फेंकना पड़ेगा। विनीत जीतने जा रहा है, अरे हम अकेले 80,000 हैं, कहाँ है इकलौता जो है लड़का है, रविदास का बेटा है, 80,000 अकेले हैं। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, ये तो तय है। अच्छा, अब हम सबसे मतलब कड़वा सवाल आपसे पूछने जा रहे हैं कि मतलब आपको लोग क्यों चूज करें? देखिए, हमको क्यों चूज करें? आपके पास 22-24 प्रत्याशी हैं। सही बात। हम विश्रामपुर विधानसभा के लगभग 4 लाख लोगों से अपील करेंगे, रात में खा पी के सोचें और देखें, सबके ऊपर कुछ ना कुछ केस मिलेगा। किसी के ऊपर मर्डर केस, किसी के ऊपर संपत्ति का केस, किसी के ऊपर चोरी का केस, सबके ऊपर केस मिलेगा। आप विनीत का एक केस निकाल के देखिए, एक केस नहीं मिलेगा। हमसे कोई अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति आप ढूंढिए, हमसे जो है अच्छी समाज से बिलोंग किया हुआ इज्जतदार आप देखिए, आपको कैसा प्रत्याशी चाहिए? शूटर चाहिए, गोली मारने वाला चाहिए, कि ईमानदार आदमी चाहिए जो विधानसभा में आप गरीबों की आवाज़ उठा सके? ऐसे ऐसे लोग को मत भेजिए कि विधानसभा में सबसे पिछला लाइन में बैठ जाए और उसका बोली आगे तक सुनाई नहीं दे। हम लोग जो है कुर्सी धकिया के आगे बैठने वाले हैं, कि सीधा जो है ना मुख्यमंत्री का जो है कान का जो है चदरा हिल जाएगा। एक बार लोग जिता के तो देखें कैसे विकास होता है, हम लोगों को बता देंगे। पढ़ल लिखल आदमी है, गुड़बक आदमी थोड़े हम लोग हैं। अच्छा, पढ़े लिखे से ख्याल आया कि मतलब आपका क्वालिफिकेशन क्या है? हम बीटेक किए हुए हैं, और लोगों के बीच में हम 14 साल नौकरी भी किए, संघर्ष भी किए। क्या चीज़ से मतलब बीटेक किए हुए हैं? सिविल से किए थे। सिविल से? अच्छा, 14 साल हम नौकरी किए। 14 साल नौकरी करने के बाद छात्र संघ का हम नेता भी रह चुके हैं, हजारीबाग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का 2004 में। तो अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हम थे उस समय, तो हमारे शुरू से मेरा रुझान रहा है लोगों के प्रति। तो आप सही बात, हमारी तुलना जो है इन लोगों से आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन लोग करप्शन के आडा बना रखे हैं। सब सभी प्रत्याशी के इतिहास देखिए ना भाई, अब मेरा इतिहास देखिए। उसके बाद पब्लिक से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो अच्छा लगे उसे आप वोट दीजिए। अच्छा, मतलब ये क्षेत्र में रोजगार का बहुत समस्या है, लोग बाहर जाते हैं काम करने, दूर दूर जाते हैं, और वहाँ पे उनका मतलब एक्सीडेंट में मौत भी हो जाता है, तो इसको आप कैसे सुधार कीजिएगा? देखिए, अभी तक पहले भी हम बता, ऐसा विधायक को चुनते हैं विधानसभा में आवाज़ भी नहीं निकलता है, तो कैसे यहाँ पलायन को रोकिएगा?
एक भी रोजगार का यहाँ देख रहे, कोई कुछ रोजगार है क्या? यहाँ पर जमीन नहीं है, बहुत जमीन है क्या? यहाँ पावर प्लांट नहीं लग सकती थी, स्टील प्लांट नहीं लग सकती थी? नहीं है, अगर उतना जमीन तो छोटे छोटे कल कारखाने लग सकते थे, उद्योग का बहुत साधन है। ये सब कुछ नहीं, ये लोग सिर्फ अपना पेट भरे हैं, अपना इतना पेट भर दिए हैं जिसका कोनो हिसाब नहीं है। अगर ये लोग बीजेपी के शरण से दूर चले जाए तो सीबीआई वाले पहुंच जाएंगे, इतना तय है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो भी लंबा हो जाएगा इसलिए हम ज़्यादा मतलब नहीं बड़ा वीडियो बनाना चाहते हैं। मेरे साथ कैमरामैन के रूप में दीपक जी थे, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।